यदि हम एक ही बिल में अलग अलग जीएसटी परसेंटेज को मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक, तो सबसे पहले नई कंपनी बनानी पड़ेगी। तो कंपनी इन्फो पे आने के लिए अल्ट प्लस F3 दबाइए, इस कंपनी को बंद कर दीजिए, क्रिएट कंपनी पे गए, ठीक, कोई भी नहीं दे दिया, वैसे दे दिया ऑल जीएसटी इन वन बिल। यहाँ पे कोई भी ऑनर का नाम दे दीजिए, स्किप कर दीजिए। कंट्री में कंपलसरी होना चाहिए इंडिया, स्टेट में आ जाएगा आपका यूपी, फिर 1/4/23, 1/4/23 इस तरह से कंपनी हमने यहाँ से क्रिएट कर, ठीक है। कंपनी क्रिएट होने के बाद जीएसटी को एक्टिवेट करना होगा, एक्टिवेट करने के लिए आप क्या दबाएंगे, F11 की दबाएंगे, तो F11 की पे दबाइए या यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। टैक्सेशन पे आना पड़ेगा, टैक्सेशन पे आ गए, जीएसटी पे यहाँ से यस की, जीएसटी रेट डिटेल्स एंटर करते जाइए, जीएसटी रेट डिटेल्स पे यस की, टैक्स टेबल ले लिया 28% एंटर एंटर। इस तरह से पहले इसको एक्टिवेट कर ली। आप अकाउंट इन्फो पे आएंगे, लेजर CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे GST C%। अभी यहाँ पे जो परसेंटेज रहेगा वो जीरो रहेगा, ठीक है। पहले हाफ दे देते थे जिसका काटने पर, लेकिन बट आप क्या करना है, यहाँ पे 0% रखना। सेम इसी तरीके SGST बनाया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे GST स्टेट टैक्स, परसेंटेज कितना रहेगा अगेन 0। इसके बाद नेक्स्ट आप बनाएंगे परचेज का। अब यहाँ पे अलग अलग बनेंगे परचेज के, तो परचेज एट द रेट 5 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब हम इसमें जो GST एक्टिवेट कर रहे हैं वो 5%, इसलिए हमने एट द रेट 5 लगा दिया। इसको परचेज अकाउंट पर डाले, यहाँ पे एप्लीकेबल GST पे यस किया, परचेज टैक्सेबल 5%। सेम यही बाकी तीन में भी करना है, परचेज एट द रेट 12 कर दिया, एप्लीकेबल यस, परचेज टैक्सेबल 12%। फिर परचेज एट द रेट यहाँ पे दे दिया 28, यहाँ पे यस, परचेज टैक्सेबल 28। एक आपका बच्चा कौन सा 18 का, परचेज एट द रेट लिख के 18, परचेज अकाउंट यस, परचेज टैक्सेबल। तो इसी तरीके सेल्स के चार बनाने का बना देंगे। इसके बाद आप जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पे, यूनिट बनाइए अपने पीसी। इसके बाद स्टॉक आइटम मॉनिटर मोबाइल, स्किप करके बाहर वाउचर पे। अब हम परचेस का वाउचर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सेटिंग करनी होती है, क्या F11 करेंगे, ठीक, यहाँ पे बिल डिटेल्स पे यस कर लीजिएगा, ऑलरेडी यस, ठीक है। दूसरी एक और सेटिंग होगी, F12 दबाइएगा कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए। यहाँ थर्ड लाइन पे लिखा यूज कॉमन लेजर एलोकेशन ऑफ आइटम, यहाँ पे नो कर, अगर यहाँ पे यस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे परचेज का लेजर बन देगा। जब आप परचेज करेंगे तो यहाँ पे फिर एक ही आप चूज कर पाएंगे। अगर हमने 5 लिया तो सिर्फ 5% कटेगी, 12 किया तो 12 कटेगी। तो यहाँ से हमको इसको हटाना है, हटाने के लिए भाई F12 दबाइए, यहाँ लिखा है यूज कॉमन लेजर, वहाँ पे नो कर दीजिए, हट गया वो परचेज का लेजर, तो यहाँ पे आ रहा है, ऊपर ले लिया कैश।
नेम ऑफ आइटम पे गए, चूज किया, जैसे पहला था लक्स, पीस दे दिए, जैसे मान लीजिए 20 पीस खरीद रहा था, ठीक है, रेट दे दिया 100 रुपए के हिसाब से। अब यहाँ पे आप स्पेस की दबाएंगे, लिस्ट खुल जाएगी। अब यहाँ से चूज करें कि कितना परसेंट इसमें काटना है, तो हमको जैसे 5% इसमें काटना था, तो हमने 5% चूज कर दिया। इसी तरीके दूसरा प्रोडक्ट लिया पार्ले जी, मान लीजिए पार्ले जी ले लिया हमने 50 पीस। अब इसमें 12% GST काटने थी तो 12 ले लिया। तीसरा स्टॉक हो गया मान लीजिए मोबाइल, 8 पीस खरीदे 9,000 8,000 के हिसाब से, इसमें हमको काटनी है 18%। द लास्ट मॉनिटर 5 पीस दे दिया। अब इसमें हो गया 28%, ठीक। इसके बाद एक एंटर छोड़ करके दूसरे एंटर में टैक्सेशन चूज करिए, CGST आगे कट कर, HGST एंटर 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 एंटर, ठीक। इस तरह से करेंगे। अब इसका प्रीव्यू देखने के लिए डिस्प्ले पे डे बुक पे जाइए, ठीक। Alt के साथ P करेंगे जिससे प्रिंट की स्क्रीन हो जाएगी। यहाँ पे F12 दबाइएगा कॉन्फिगेशन के लिए, जहाँ पे भी GST लिख करके आ रहा है वहाँ पे यस कर देंगे, ठीक। तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही अब यस करिए। अब देखिए जूम करके, ठीक, चारों स्टॉक के अलग अलग GST आ गए, 2.5% अलग है, 6% अलग, 9% अलग, 14%, ठीक है। तो इस तरह से एक ही बिल में अलग अलग GST परसेंटेज मेंटेन किया, ठीक।